सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपनी नज़र सिर्फ उसी चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। ये दुनिया है, यहाँ सबको सब कुछ नजर आता है सिवाय अपनी गलतियों के। दो तरह से देखने से चीजें छोटी नजर आती है, एक दूर से और एक गुरूर से। समय, शक्ति और पैसा कभी भी एक साथ नहीं आती। आज का पंचांग 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 11:44 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सद्भिषा नामक नक्षत्र दोपहर 1:53 तक रहेगी। इसके उपरांत सद्भिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:22 से 4:53 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर 18 सितंबर सुबह 5:44 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। व्रत और त्योहार की बात करें तो आज है सत्य व्रत, अनंत चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत और गणेश विसर्जन। वृषभ राशि 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार, कोई अप्रत्याशित लाभ आपका आज इंतजार कर रहा है, जैसे कोई विरासत में मिला धन या भोजन का निमंत्रण इत्यादि। अगर स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं आपके मन में है तो आध्यात्मिक धार्मिक दर्शन लाभ देगा। आज आपको थोड़ी असंतुष्टि के साथ साथ अप्रसन्नता भी महसूस हो सकती है। आज आपको सही फैसला लेने की जरूरत है। लोग आपके काम को लेकर सकारात्मक होंगे, बस आपको उन्हें अपनी ऊर्जा और मेहनत से प्रभावित करना है। विश्वास व शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। आप अपने जीवन के कुछ चीजों को लेकर क्रोधित हो सकते हैं। हो सकता है आपके जीवन के कुछ पहलू आपके लक्ष्यों के अनुरूप ना हो। आप निगेटिव एनर्जी से दूर रहने की कोशिश करें। अपने जीवन के नए क्षेत्रों में उत्साहित होकर काम कर सकते हैं। सपने देखने से ना डरें। अगर आप सावधानी से काम करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नारंगी आपका लकी कलर रह सकता है। शाम का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के बारे में वृषभ राशि वालों को आज अपने किसी पारिवारिक समस्या को सुलझाने में जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। आपकी मुलाकात आज किसी पूर्व परिचित से हो सकती है जिससे आपको कुछ रोचक जानकारी मिलेगी। आज वृषभ राशि के जातक परिवार के साथ छुट्टी का आनंद लेंगे और किसी मनोरंजक कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। घर गृहिणी के मामलों में आज आप जीवन साथी का हाथ भी बटाएंगे जिससे आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा। सावधानियां, आज आपको बड़े बुजुर्गों से अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। वाद विवाद से दूर रहें। अनजान लोगों के मामलों में पड़ने से बचें या दूसरों के मामले से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके ग्रह बता रहे हैं कि अभी प्यार का नशा आपके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अपने रिश्ते को रहस्य ना बना रहने दी, बल्कि अपने परिवार को इसके बारे में बताइए। सब कुछ आपके मुताबिक होगा। अगर सफर करने का सोच रही है तो उसमें गड़बड़ी की संभावना है। कुछ पाने की चाह और आत्मविश्वास से आप दुनिया को जीत सकते हैं। बस आपको अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना है। आप दोनों एक दूसरे के दृढ़ संकल्प और बुद्धि का सम्मान करते हैं। आपकी योजनाएं आपकी जीवन साथी को अभी पसंद नहीं आएगी, किंतु जल्द ही वो आप पर विश्वास करेगा। आज का मंत्र यही है कि आशावादी बनी। बात करते हैं करियर की। कार्य में आज आपको भरपूर सराहना मिलेगी। यह वक्त हर दुख या दोष को भूलकर अपने कौशल को विकसित करने का है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें क्योंकि यह आपके अच्छे कामों के लाभ उठाने के लिए एक शानदार चरण है। सावधानी से यात्रा करें क्योंकि सफर में गड़बड़ी की आशंका है। आप नकारात्मक महसूस कर सकते हैं, किंतु याद रखें दुख भी जीवन का एक भाग है। स्वयं को सही दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश करें। लोग अभी आपका महत्व नहीं समझ पाए हैं, इसलिए आपको उन्हें अपनी ऊर्जा और विचारों से प्रभावित करना होगा। पॉजिटिव सोचें, अच्छी संभावनाओं के बारे में जानें और उन्हें वास्तविकता में परिवर्तित करें।
यदि आपको किसी अच्छे काम की तलाश है तब आज के दिन इसके लिए शुभ है। आप कुछ अच्छे साक्षात्कार देंगी। इनमें से कोई एक साक्षात्कार आपके लिए नौकरी का पद आसान कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं में संलिप्त जातकों के लिए आज के दिन लक्ष्यों की प्राप्ति करने वाला हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। इस राशि के जातकों की सेहत आज कुल मिलाकर अच्छी रहने वाली है, लेकिन बदलते मौसम के अनुसार आहार व्यवहार का इनको आज ध्यान रखना होगा। खान पान में लापरवाही से आज पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।